शाहजी महाराज की जय। 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 खामोश खामोश। बस बहुत हो गया ये तमाशा, बहुत हो गई जय जयकार। हाजी राजे, जिनका नमक खाकर ये शानो शौकत नसीब हुई है उन्हीं को भूल गए। यही वफादारी है अपने बादशाह सलामत की। मुस्तफा खान साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, सिर्फ याद दिला रहा हूं ये जय जयकार, ये तारीफ, ये तालियां, इनके पहले और असल हकदार आपके आका सुल्तान हजरत आदिल शाह हैं। ये महल, ये आराइश का सामान, ये आपका तो रोया रोया सुल्तान हजरत आदिल शाह के एहसानों से भीगा हुआ है। और यहां आप आपकी जय जयकार करवा रहे हैं। हजरत सुल्तान आदिल शाह आपके आका हैं। पहली जय जयकार उनकी होनी चाहिए। सिर्फ हजरत सुल्तान आदिल शाह की। देखा रणदुल्ला खान साहेब, हमारा शक सही निकला ना? शाहजी साहब, आप आपके गुरूर में ये भी भूल गए कि सुल्तान हजरत आदिल शाह के मुलाजिम हैं आप। अब हम इस दरबार में सुल्तान हजरत आदिल शाह की जय जयकार सुनना चाहते हैं। आपके मुंह से, आपके इन सारे मराठा सरदारों के मुंह से आदिल शाह की तारीफ से ये दरबार गूंज उठना चाहिए। माल है, यानी कि आप लोगों की खामोशी इस बात का सबूत है कि आप अपने मराठा सरदारों को जमाकर आदिल शाही हुकूमत के खिलाफ बगावत का बीज बो रहे हैं। क्या हुआ शाहजी महाराज, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? या हमें कोई और तरीका? बस इसके आगे एक शब्द नहीं बोलना। आदिल शाह के तलवे चाटने वाले, तुमने महाराज साहब के दरबार में इस तरह सभ्यता दिखाने का साहस कैसे हुआ?
अभी इसी समय क्षमा मांग लो अन्यथा। गजब खुदा का, कौन है ये गुस्ताख? मुस्तफा खान साहब, अभी ये बच्चा है, दरबारी शिष्टाचारों से वाकिफ भी नहीं, और अभी इसे ये भी नहीं मालूम कि आप सुल्तान हजरत आदिल शाह के सिर्फ वजीर ही नहीं, ससुर भी हैं। क्या नाम है तुम्हारा? शिवाजी शाहजी राजे भोसले नाम है हमारा। शाहजी राजे, ये आपके साहबजादे हैं। इसकी तरफ से हम आपके क्षमा। बाबा शाह, कभी नहीं। कभी नहीं। शिवाजी, आप जाइए, हम आपसे बाद में बात करेंगे। जोश है इस बेलगाम घोड़े में, काबू में रखना पड़ेगा। बोलिए, सुल्तान हजरत आदिल शाह की जय। बोलिए, सुल्तान हजरत आदिल शाह की जय। बोलिए बोलिए आप भी, सुल्तान हजरत आदिल शाह की जय। जय जय। बोलिए सुल्तान हजरत आदिल शाह की जय। 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 शाहजी साहब, शाहजी आप आपके गुरूर में ये भी भूल गए कि सुल्तान हजरत आदिल शाह के मुलाजिम हैं आप। हम इस दरबार में सुल्तान हजरत आदिल शाह की जय जयकार सुनना चाहते हैं। शाहजी राजे भोसले महाराज की जय। तुम्हारे कारण हमारे बाबा साहेब किस संकट में पड़ सकते हैं, तुम्हें अनुमान भी है इस बात का? दादा महाराज, क्या हम भी सबकी तरह अपने बाबा साहेब का अपमान सहते रहते? और एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही, बाबा साहेब उस आदिल शाह के साथ क्यों जुड़े हैं? क्यों आए थे आदिल शाही लोग हमारी राज्यसभा में? हमें प्रश्न करने का अधिकार नहीं है शिवा, केवल अपने बाबा साहेब की आज्ञा का पालन करना है। हमारे लिए हमारे बाबा साहेब का कहा हुआ एक एक शब्द नियम है, कठोर नियम, और तुम्हारे लिए भी। देखो शिवा, प्रश्न करने का एक समय होता है, एक स्थान होता है। क्षमा कीजिएगा दादा महाराज, आपने कभी प्रश्न नहीं किए होंगे, परंतु माँ साहेब ने हमें प्रश्न करना सिखाया है। हमारे पिता ऐसे निशंस शासक की जय जयकार करें, ये हमसे देखा नहीं जाएगा। जब तक हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते, हम चैन की सांस नहीं लेंगे। हमारी माँ साहेब ने जो हमें सिखाया है,
वही हमारे सिद्धांत हैं और हम अपने प्रश्नों के उत्तर लेकर रहेंगे। शिवा चुप रहो, तुमने अभी देखा ही क्या है, उनके कंधे के बराबर आ जाना तब प्रश्न पूछना उनसे। पहले प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए योग्य बनकर दिखाओ बाबा साहेब को। हम स्वयं को इस योग्य समझते हैं दादा महाराज, हम उनसे उत्तर लेकर रहेंगे और देखना वो हमें उत्तर अवश्य देंगे। कब तक अपने आप को दंड देते रहेंगे इस तरह? दंड नहीं दे रहे जीजा, खुद को झिझोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। शिवा की ओर से हम माफी मांगते हैं आपसे, लेकिन शिवा बड़ा हो गया है, प्रश्न करने लगा है। हर दिन एक नया प्रश्न आता है उसके मन में, हर मोड़ पर एक प्रश्न। बाबा साहेब और हम अलग अलग क्यों रहते हैं? बाबा साहेब क्यों छोड़ गए हैं हमें? हम यहाँ पुणे में और बाबा साहेब बंगलूर में क्यों? आदिल शाह को हम कर क्यों देते हैं? बताइए, क्या आपकी दृष्टि में अब भी समय नहीं आया है कि आप उसके प्रश्नों के उत्तर दें? उसके ये प्रश्न कई सालों से हमें भी घायल करते आ रहे हैं। हमें यह भी पता है एक ना एक दिन हमें उनके प्रश्नों के उत्तर देने ही होंगे, लेकिन इस समय यही उत्तर हमें प्रश्न बनकर डस रहे हैं। आपको याद है जीजे, 10 वर्ष पहले हमारे हृदय में भी मराठों को स्वराज दिलाने की आग भड़की थी। हमने भी ठान लिया था आदिल शाह के सामने सर नहीं झुकाएंगे। हमें आज भी याद है वो दिन जब पहली बार हमें पराजय का सामना करना पड़ा था। जीजे हम युद्ध हार गए, मुगल और आदिल शाह एक हो गए। दोनों ने एकजुट होकर हमें और निजाम शाही को मात दे दी। मराठा स्वराज का हमारा सपना चूर चूर हो गया। अब हमारे पास सिर्फ दो ही विकल्प बाकी हैं, या तो बीजापुर चले जाए आदिल शाह के पास, या अपने प्राणों को निछावर कर दे। नहीं, हम पराजय स्वीकार नहीं करेंगे। महाराज, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका जीवन। महाराज साहब, स्वराज का सपना हम सबका है। एक रास्ता है, आप बीजापुर चले जाएं। हम पुणे में रहेंगे। लेकिन आप सबको छोड़कर अकेले? हम दोनों को यह बलिदान देना ही होगा, क्योंकि आदिल शाह जैसा क्रूर शासक
विश्वास के योग्य नहीं है। इन यवनों ने हमारे पिता और भाइयों की निर्मम हत्या की है, ये हम कैसे भूल सकते हैं? इस परिस्थिति में उचित यही होगा कि हम दोनों अलग रहें। लेकिन हमारे ये दो बच्चे, आप संभा को लेकर बीजापुर चले जाएं। हम मराठों को संगठित करते हुए शिवबा का लालन पालन पुणे में करेंगे। जाओ बेटा, अपने बाबा साहब का ख्याल रखना। जाओ। मामा साहब, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। भगवान के लिए चले जाइए, चले जाइए यहाँ से। कहीं माँ की ममता कर्तव्य के आड़े ना आ जाए। भगवान के लिए चले जाइए। जानते हैं जीजा, आपने बहुत बड़ा बलिदान किया है, परंतु किस लिए? यह देखने के लिए कि शाहजी राजे भोसले स्वयं के दरबार में आदिल शाह का जय जयकार कर रहे हैं। आपको पहले इतना विचलित कभी नहीं देखा। धैर्य रखिए, शिवजी को विष पीने पर किसने विवश किया था? किसी ने नहीं, उन्होंने स्वयं ही विषपान किया था, केवल इसलिए कि संसार के दानवों से रक्षा कर सके। आपने भी मराठा शक्ति की एकजुट और स्वराज्य के लिए ही ये विष पिया है। अगर हम संगठित रहें तो बुद्धि, चतुराई और रण कौशल से ओत प्रोत कोई भी मराठा शक्ति का नेतृत्व संभाल लेगा, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ संभा है और शिवा भी। नहीं, शिवा अभी इसके योग्य नहीं है। जब वो स्वराज का सही अर्थ समझने के योग्य हो जाएगा, तब उसके प्रश्नों का उत्तर हम खुद देंगे। रुक जा शिवा, वो घोड़ा बेटा वो है।
आपने विद्रोह करके हमारा ध्यान आपकी ओर आकर्षित कर ही लिया। हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं था बाबा साहेब। बहुत से प्रश्न पूछने हैं आपसे। अपने बाबा साहेब से प्रश्न पूछने से पहले अपने आप को उसके योग्य बनाओ। इस पागल घोड़े पर काबू करने में वीरता नहीं है। आपकी वीरता तभी सिद्ध होगी जब आप हमारे सबसे पराक्रमी योद्धा से युद्ध करोगे। शिवाजी राजे भोसले का साहस देखना चाहते हैं आप, तो लाइए अपने वीर योद्धा को सामने। हम भी दिखा देंगे कि हम जीजाबाई राजे भोसले के पुत्र हैं। अब्बास, हमें आपसे यही आशा थी। आप हमारे सबसे पराक्रमी योद्धा संभाजी राजे भोसले के साथ मुकाबला करें। इतना साहस आपने है, आपके बाजुओं में इतना दम। आपने तो हमारे दो बेटों को ही एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया है। हम शिवा का साहस देखना चाहते हैं और ये भी देखना चाहते हैं हमारे दोनों पुत्रों के बीच सबसे रणबांकुरा कौन है। हे देवा, ये कैसी परीक्षा है। हार चाहे किसी की भी हो, पराजय तो हमारी ही होगी ना। और कोई भी जीते, जीत भी तो आपकी ही होगी। चिंता ना करें मां साहेब, कल के मुकाबले में एक भाई भाई से नहीं, एक योद्धा दूसरे योद्धा से लड़ेगा। हम तैयार हैं बाबा साहेब। ठीक है, कल सूरज की पहली किरण के साथ दो भाइयों के बीच एक अविस्मरणीय मुकाबला होगा।